नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार। सी शार्प में क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊप्स में पूरे सी शार्प हो या फिर जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऊप्स पे डिपेंड है, उनमें क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार कि कैसे क्लास हम बनाते हैं। देखिये, ये होती है हमारी क्लास। जो इनहेरिटेंस का पार्ट 31 है, उसमें भी क्लास के बारे में हमेशा दूसरे और टॉपिक चलते रहेंगे, क्लास का हमेशा बातचीत होती रहेगी क्लास के बारे में। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, देखो, नेम स्पेस में क्लास कंटेन करती है। नेम स्पेसेस का पिछला हमारा पार्ट था, उसे भी देख सकते हैं नेम स्पेसेस के लिए। नेम स्पेसेस क्लास को कंटेन करती है। क्लासेस आप कितने भी बना सकते हैं, बस आपको क्या लिखना है, सबसे पहला चीज है क्लास का कीवर्ड। क्लास कीवर्ड नाम से और उस क्लास का नाम, कोई भी मान लीजिए आपने रख दिया एम्प्लॉई और कर्ली ब्रेसेस, means name followed by the class keyword and the curly braces which contain the class members। और इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, access specifier लगा सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज समझनी है कि इंटरनल और पब्लिक। पहली चीज है क्लास की, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ब्लू प्रिंट ऑफ प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए एक मैंने मेंबर ए बना लिया है, एक क्लास सॉरी ए बना ली है, उसके बाद कोई दूसरी क्लास बना ली मैंने, उसे ले ली टेम्पररी एम्प्लॉय। ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल एकदम ब्लू प्रिंट है। मीन्स मतलब एक स्ट्रक्चर है। क्लास हमें पूरी प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम देखते हैं रियल लाइफ में कोई अलमारी है जिसके अंदर आप सामान रखते हैं और उसके अंदर सेल्फ ना हो तो आप कैसे सामान रखेंगे। एक घर बनाए और पूरी छत की छत डाल दें और कोई भी रूम का पार्टीशन ना करें तो क्या मतलब होगा उस घर का, कोई भी चीजें सही से नहीं हो पाएंगे, किचन बाथरूम सब खुला रहेगा। तो बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम चीजें, हम फंक्शंस बहुत सारे बना रहे हैं, बहुत सारे फील्ड्स प्रॉपर्टीज, उनको क्लास एक कंटेनर देती है, उसमें वो कंटेन करते हैं और मैनेज्ड रहते हैं, ठीक है ना। तो क्लास हमें एक तरीके से ब्लूप्रिंट देती है प्रोग्राम का पूरा, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो बहुत मैनेजेबल प्रोग्रामिंग के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। क्लास एक रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमने और भी देखे हैं, जैसे आप देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं एक बार। ये हमारी क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास है और इसके अंदर मेन फंक्शन है। जैसे ये भी देखिए एक डेटा टाइप है, आपने कुछ भी वैल्यू डाली, ये वैल्यू टाइप डेटा टाइप है। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है। पर ये जो क्लास, ये हमने टाइप बनाया है। एम्प्लॉई क्या है, जैसे हमने देखो इसमें क्या लिख रखा है, इट इज ए कस्टम टाइप क्रिएटेड बाय ऑन। एक ऐसा टाइप है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये टाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है। और ये टाइप कौन क्रिएट कर रहा है, हम क्रिएट कर रहे हैं। और ये रेफरेंस टाइप डेटा टाइप है, मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल हम फील्ड ले लेते हैं। क्लास के अंदर अगर कोई आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो फील्ड कहलाता है। फंक्शन के अंदर नाम अलग अलग दे दिया है, फंक्शन के अंदर आप जो भी वेरिएबल बनाते हैं उनको नॉर्मली वेरिएबल बोलते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे उसे एक्सेस करना है इसको, तो हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉई क्लास सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ये देखिए रेफरेंस टाइप डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं कि ये रेफरेंस रखता है बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे रेफरेंसेस एक साथ। जैसे मान लीजिए एक मैंने आईडी ले ली, एक मैंने ले ली नेम, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये हम अगले पार्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होगा उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए आप एम्प्लॉई और डॉट, अभी ये मेंबर एक्सेस नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, हमारे प्राइवेट है। कोई भी क्लास का मेंबर अगर कोई उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। क्लास के मेंबर्स, क्लास बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है। अगर मैं हटा देता हूं तो भी ये इंटरनल है। एक्सेस स्पेसिफायर्स का पार्ट जरूर देखें, जो इंटरनल पब्लिक प्राइवेट इनको समझने के लिए। जैसे अब हम इसे एक्सेस करेंगे, देखिए आईडी आईडी डाल दी, डॉट नेम, वैल्यू ऊपर डली हुई भी है, मैं यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ, हटा दी वैल्यू, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। एम्प्लॉई एक क्या है, एक टाइप है क्लास का, एक इंस्टांस यानी हम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये देखिए आप एम्प्लॉई कितने लोगों को रेफर कर रहा है, आईडी को भी नेम को भी, एक से ज्यादा। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप डेटा टाइप, क्योंकि रेफर करता है क्लास के सभी मेंबर्स को। क्लास का जो बिहेवियर है, मींस बिहेवियर क्या होता है क्लास का, उसके फंक्शंस, मान लीजिए क्लास है और इसके कुछ फंक्शंस है। ये क्लास के फंक्शंस, फील्ड्स, इवेंट्स, ये सब किसके अंदर रैप अप रहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इसके अंदर पूरा रैप अप हो गया है हमारा रेफरेंस, इसलिए इनको रेफरेंस टाइप डेटा टाइप बोलते हैं। इट इज अ कस्टम टाइप क्रिएटेड बाय ऑन। तुमने बताया कि कस्टम मींस खुद बनाया हुआ, ठीक है ना, टेलर्ड। तो ये खुद का बनाया हुआ हमारा टाइप है, नाम हमने रखा है और उस टाइप को हम आराम से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सेमी कॉलन ना लगा के यहाँ इसकी बॉडी बना सकते हैं, और ये जो आप इनके मेंबर्स में पॉपुलेट कर रहे हैं वैल्यूज, वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है।
दूसरी चीज आपको यहाँ कॉमा लगाना होगा कंट्रोल ए कंट्रोल के डी अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि कितना ये रेफरेंस टाइप है। आपने एक जो भी ऑब्जेक्ट बनाया उसकी बॉडी बनाई और उसके अंदर सारे मेंबर्स को पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं एनकैप्सुलेट फॉलोइंग मेंबर्स। क्लास क्या करती है, जैसे हमने नेम स्पेस वाले टॉपिक में देखा है कि नेम स्पेसेस हमारे क्या कंटेन करते हैं। नेम स्पेसेस सारे हमारे डेटा टाइप्स को कंटेन करते हैं, क्लास, डेलीगेट्स, इंटरफेसेस, स्ट्रक्चर्स। और क्लास हमारी क्या करती है, क्लास के मेंबर्स हैं मेथड, इवेंट्स, फील्ड्स और प्रॉपर्टीज। तो हमने ये देख लिया जैसे कि एक क्लास के अंदर हम फंक्शन रख सकते हैं और फील्ड रख सकते हैं और इवेंट्स रख सकते हैं, प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ये है हमारा क्लास का स्ट्रक्चर। देखिए क्लास की जैसी दूसरी एक और चीज होती है स्ट्रक्चर। बस उसमें जो स्ट्रक्चर का पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं डिफरेंसेस वगैरह। मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्ट लगा दूं ना तो भी ये ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। आप देखिए रन होगा सब कुछ, कुछ प्रिंट नहीं करा रखा हमने। स्ट्रक्चर भी फंक्शंस और ये सब कंटेन करता है, बस इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता और थोड़े बहुत और भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो आप स्ट्रक्चर के पार्ट में देख सकते हैं। ये है हमारा क्लास का टॉपिक। कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है कमेंट में बताएं। और क्लास से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिलेटेड है दूसरी, वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स जो आगे के पार्ट्स में होंगे। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।